नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे शेयर के बारे में जो इन्वेस्टर को काफी माला माल किया है। दोस्तों 1000% का रिटर्न अगर आप मार्च में इन्वेस्ट किए रहते तो अभी आपको जुलाई में 1000% का रिटर्न, मतलब 10 times आपका मनी हो जाता। अगर 1,00,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए होते तो आपका वो रुपया होता 10,00,000। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते वो आपका होता 1,00,000 रुपया। मतलब आप 1,000 में इन्वेस्ट किए होते 10,000 तो आप अभी लखपति बनते, मतलब लाखों में आपके पास अभी रिटर्न के रूप में प्राप्त होता। ऐसे ही शेयर के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी वो शेयर है जो कि काफ़ी बेहतरीन ग्रुप का है, मतलब आप इसमें ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ऐसे ही स्टॉक्स आपको मार्केट में ढूंढना है, ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी है। तो चलिए, ये कौन से स्टॉक्स है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वो स्टॉक से हमारा पहला डेन नेटवर्क। डेन नेटवर्क ये 1000% का रिटर्न नहीं दिया, ये थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन आप इसमें एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ इन्वेस्ट कर सकते थे। तो वो देखिए कैसे, अगर हम बात करें अभी 6 months में जो पैंडमिक सिचुएशन आया था उसमें सारे स्टॉक्स में गिरावट आई थी, वहां से आप देख लीजिए इसमें कितना का रिटर्न है, 240% का, 240% का रिटर्न ये दे चुका है। तो दोस्तों आप 5% के लिए FD में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ 240% का रिटर्न मिल रहा है आपको मात्र कुछ ही महीनों में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मात्र 4 से 5 महीने में। तो इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है डेन नेटवर्क ने मात्र 5 महीने में। जब से न्यूज़ आया ये मर्ज होने वाली है, उसके बाद मार्केट में पहले करेक्शन आया पैंडमिक के कारण, उसके बाद अगर करेक्शन नहीं आता तो यहीं से ये पिकअप पकड़ चुका, देख सकते हैं अपवर्ड मोमेंटम यहीं से पकड़ चुका था, लेकिन पैंडमिक के कारण गिरावट आया। और इस गिरावट में अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ आपको मिलता कितना परसेंट, 240% का रिटर्न। तो काफ़ी, मतलब 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए रहते तो आपको 1,00,000 रुपया हो जाता 3,40,000 रुपया, 1,00,000 हो जाता 3,40,000 रुपया। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त किए इससे बहुत सारे इन्वेस्टर ने। उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो इसी रिलायंस ग्रुप का, ये डेन नेटवर्क आपको क्यों कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा, क्योंकि ये रिलायंस ग्रुप का शेयर है और काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और इसका जो मर्जर होने जा रहा है नेटवर्क 18 के साथ, डेन नेटवर्क, हाथवे केबल और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इन सब का मर्जर होगा नेटवर्क 18 के साथ। तो आपको इसमें इन्वेस्ट कीजिए, या हाथवे केबल में या टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में, आपको सारे के सारे शेयर जो अंतिम में मिलेंगे नेटवर्क 18 के। जिस दिन मर्जर अनाउंस हो गया था, अब सिर्फ मर्जर होना बाकी है, किस दिन मर्जर होता उस दिन शेयर सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे नेटवर्क 18 में। तो इसी रिलायंस ग्रुप का दूसरा शेयर है जो कि आपको रिटर्न दिया है, देख सकते हैं यहाँ गिरावट जो आया था उस पैंडमिक से कितना रिटर्न दिया है, 288%, मतलब 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता 3,88,000। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न, दोस्तों बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं जो इतना बेहतरीन रिटर्न देते होते हैं इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल में। और ये बेहतरीन स्टॉक्स हाथवे केबल और डाटा कॉम लिमिटेड जो इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है काफ़ी बेहतरीन है, मतलब इन्वेस्टर को मालामाल किया है मात्र 4 से 5 महीने में। तो ये था दूसरा स्टॉक। और तीसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में हमने बात किया था 1000% का रिटर्न, वो स्टॉक से हमारा हाथवे भवानी केबल टेल एंड डाटा कॉम। देखिए ये कैसे आपने इन्वेस्टर को मात्र कुछ ही महीनों में दिया है 1000% का रिटर्न। हमने तो 1000 सिर्फ बोला था, यहाँ आप देख लीजिए 1430% का रिटर्न, मतलब आपके मनी को कर दिया 14 गुना कर दिया। तो समझ सकते हैं अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट किए होते 1,00,000, आपके पास होता अभी 15,00,000, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते आपको मिलता 15,00,000। तो दोस्तों ऐसे पेनी स्टॉक में तो इन्वेस्ट करने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं आपको 400-500 रुपये से अधिक करना है, लेकिन इसमें है कि इसका मर्जर नेटवर्क 18 के साथ अनाउंस किया गया था जो रिलायंस ग्रुप का शेयर है, और नेटवर्क 18 के साथ मर्जर के बाद जो शेयर का रेशियो है नेटवर्क 18 का, जो शेयर मिलेगा आपको डेन नेटवर्क में इन्वेस्ट किए होते डेन नेटवर्क में, तो अगर डेन नेटवर्क का आपके पास 100 शेयर है तो मिल जाएगा नेटवर्क 18 का 191 शेयर। इसका सिर्फ 100 शेयर है तो नेटवर्क 18 मिलेगा 191 शेयर। अगर हाथवे केबल का अगर आपके पास 100 शेयर है तो नेटवर्क 18 का आपको मिलेगा सिर्फ 78 शेयर।
तो सुनते जाइए, सब ध्यान रखना है। इसी रेशियो में प्राइस को भी एडजस्ट होना पड़ेगा और प्राइस आपको देखना पड़ेगा उस रेशियो में है या नहीं, तभी बाइंग करना है। उसके बाद टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, उसको बाय करते हैं 100 शेयर तो आपको मिलेगा 91 शेयर नेटवर्क 18 का। तो ये रेशियो है, आपको एकदम कंफर्म याद रखनी है, इन सारे रेशियो में ही आपको बाइंग करनी चाहिए। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पर हम बाद में आएंगे। तो इसका आपने देखा ये दिया है 1400% का रिटर्न, मतलब 1400% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को मात्र कुछ ही महीनों में। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक ढूंढना है, मतलब ऐसे बेहतरीन ग्रुप के भी होने चाहिए, नहीं तो आप जैसे तैसे पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे फिर फंस जाएंगे। तो इसका जो मतलब हमारा था ग्रुप भी काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि ग्रुप किसका था, रिलायंस ग्रुप का शेयर था। इस तरह के रिलायंस ग्रुप के और शेयर है एक आलोक इंडस्ट्री, तो अब चलेंगे हम आलोक इंडस्ट्री पर। आलोक इंडस्ट्री पर आगे ये कितना दिया है इन्वेस्टर को रिटर्न, तो यहाँ पर देख लीजिए 1259% 1259% का रिटर्न। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते 1,00,000 रुपया तो ये आपका बना देता 13,00,000, उसे 13,00,000। लेकिन जब प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते, तब अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो हमने 50 रुपीज़ से जैसे एवब गया उसी समय कहे आप इसमें पार्सली प्रॉफिट बुक कीजिए। पार्सली मतलब होता है क्या, अगर आपने 1,000 शेयर बाय किया है तो उसमें से 100 शेयर 200 शेयर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उससे क्या होता, अगर आप यहाँ नीचे के लेवल पर मान लेते हैं आपने 10 रुपये के लेवल पर ही बाय किया, 50 रुपये पर बेचा, तो 10 रुपये पर बाय किए थे तो आपका इन्वेस्टमेंट था 1,000 शेयर में 10,000 रुपये का, 200 शेयर बेचते 50 रुपये के शेयर पर तो आपका 10,000 रुपया वापस। अब जो भी बचा प्रॉफिट तो उसको होल्ड करते रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि शेयर का प्राइस होता है कभी नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अभी जैसे इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, अभी आप बेच नहीं सकते, लेकिन जैसे ये फिर नीचे आता है 20 रुपीज़ तो फिर इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए। जो भी आदमी बाइंग नहीं किए हैं, इन्वेस्ट नहीं किए हैं, और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, तो 20 रुपये के नीचे जैसे आता है तो आप इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी बाय करेंगे। पहले 20 रुपये के नीचे जैसे आएगा, 10 रुपया पाएगा, तब आप इसमें बड़ा क्वांटिटी बाय करते हैं, जैसे 100 शेयर 200 शेयर, उससे पहले 10 शेयर 20 शेयर इसी तरह बाय करेंगे 20 रुपये से। और अभी आपका अपना निर्णय होना चाहिए 30 रुपये के आसपास है बाय करें या ना करें, कि आपके ऊपर है। अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं बाय करें, नहीं चाहते हैं तो नहीं करें, तो अभी आपके ऊपर है। लेकिन 20 रुपये के नीचे आता है तो इसमें आप बाय करना शुरू करेंगे 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी के रेट से। 10 रुपये के नीचे आता है तो बाय करने में कोई दिक्कत नहीं, आप 100 क्वांटिटी बाय करें, 200 1,000 करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये होता है पेनी स्टॉक्स। लेकिन आप इन पेनी स्टॉक्स में हम बात करें आलोक इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके रिजल्ट अभी आए नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट जो है आ चुके हैं, काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, काफ़ी बेहतरीन, सारी कंपनियां प्रॉफिट में है, हाथ पे केबल्स। चलिए हम इसके रिजल्ट को देखते हैं नीचे, अगर रिजल्ट जो होगा आपको अगर दिखाते हैं तो रिजल्ट इसके आ चुके हैं, कंपनी सारी प्रॉफिट में आ चुकी है, तो काफ़ी बेहतरीन से। हाँ, देख लीजिए, आपको इसके दिखाते हैं कि डाटा कॉम Q1 फाइनेंशियल 20 रिजल्ट पोस्टेड 804% का जंप प्रॉफिट में। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ इतना 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि आप देखिएगा तो यहाँ पर देखते हैं -2% लॉस में था फाइनेंशियल ईयर 20 के Q1 में, मतलब जो जून 19 था वहाँ पर माइनस में था 2% इसका, मतलब लॉस -2% तो लॉस में था ये कंपनी। अभी ये प्रॉफिट में आ चुका है, प्रॉफिट में जंप कितना हुआ है देख सकते हैं 804% का जंप। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये कंपनियों के शेयर अगर आपको फिर से मिलता है 20 रुपया या 10 रुपया पर, आपको हैवली इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। मतलब आप जितना चाहे उतना बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मर्जर जो हो रहा है वो हो रहा है नेटवर्क 18 के साथ, आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक्स जल्दी तो आपको आप नीचे मिलेंगे नहीं, तभी मिलेंगे जब फिर से मार्केट में बड़ा फॉल आए, तो आपको इसका वेट करना चाहिए। अगर मार्केट में फॉल आता है तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो जिस तरह से प्रॉफिट पेश कर रहा है, अगर नेटवर्क 18 का भी प्रॉफिट लगातार पिछले 2 क्वार्टर से आ रहा है और अब इस क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा गया, तो फिर इसमें आप जो है 100 रुपया का टारगेट देख सकते हैं, 100 रुपया का टारगेट। और नेटवर्क 18 का भी प्राइस देख सकते हैं 43 रुपीज़ है, मतलब उसके आसपास है, 5 पैसा कम है। इसमें भी देखेंगे तो आप काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, यहाँ जो गिरावट आया था वहाँ से देखते हैं 177% का रिटर्न।
तो कोई भी स्टॉक्स जाए अब आपको इसी रेशियो में शेयर मिलेंगे, तो आप इसका शेयर सिर्फ बाय करें और सारे एडजस्ट हो जाएंगे प्राइस इसी रेशियो में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप अभी तक अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं, ट्रेडिंग में जाइए, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग और जीरो दोनों ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डीमैट अकाउंट के लिए और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। यहाँ पर आप इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए बिल्कुल चार्जेस फ्री है, इंट्राडे के लिए मैक्सिमम आपको ₹20 पर डिलीवरी लगता है, तो काफी बेहतरीन दोनों ही प्लेटफॉर्म है। तो आप जाइए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए, या आप दो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक जीरोधा में ओपन करें और एक एंजल ब्रोकिंग में। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।